सेकेंड क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है साइन एक्स इज 3/5 और एक्स लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हमको निकालने हैं। तो देखिए ये होगा ए एस टी सी, ये हो गया ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, टैन एंड कॉट पॉजिटिव और कॉस और सेक पॉजिटिव। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस इन क्वाड्रेंट में निगेटिव होती हैं। अब देखिए साइन एक्स दिया हुआ है 3/5, ट्रायंगल बन गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 4 आएगा, पाइथागोरस अप्लाई कर लिया। साइन एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो बेस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से 5 का स्क्वायर माइनस 9 का, सॉरी 3 का स्क्वायर और अंडर रूट, ये निकल गया। तो बहुत सिंपल सा है, कॉस एक्स निकाल दो, कॉस एक्स कितना होगा 4/5, पर कॉस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि केवल साइन और कॉस एक्स ही पॉजिटिव होगा, तो यहां पर माइनस लगा दो, साइन कॉस, टेन एक्स कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर टेन एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव, तो यहां भी माइनस, कॉट एक्स कितना होगा 4/3 एन का रेसिप्रोकल, sec x कितना होगा, sec x cos का रेसिप्रोकल 5/4 और नेगेटिव। अब sec x कितना होगा, सॉरी cosec x कितना होगा, cosec x sin का रेसिप्रोकल 5/3 और sin क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड।